keep a check. To keep a check. On any language. On any language. In fact, there lives a family in London. London के अंदर एक family रहती है जिसका surname है Grever. क्या surname बता दिया? Grever. इस family के अंदर एक couple रहता है. Couple लोग भी होते हैं ना husband wife. जो हस्बैंड है वो है मिस्टर नाउ. क्या नाम बता दिया? एंड वाइफ इज मिसेस वर्ड. क्या? मिसेस वर्ड. अब इस कपल के 3 चिल्ड्रन आर देयर. कितने बच्चे हैं? 3. पहला एक बेटा है, एक सन है जिसका नाम है प्रोनाउन. क्या नाम बता दिया? प्रोनाउन. दो बेटियां हैं, पहली जो डॉटर है वो है एडजेक्टिव. क्या क्या क्या? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव. क्या? एडजेक्टिव. दूसरे वाली जो बेटी है उसके नाम है एडवर्ब. क्या नाम दे दिया? एडवर्ब. अब सबको पता है हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि बाप के एब्सेंस में बेटे की जिम्मेदारी होती है घर का टेक केयर करने की. यस और नो? यस सर. प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन. यस और नो? यस सर. दो बेटियां हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दोनों में गहरा प्रेम है, बट देयर इज अ डिसिमिलरिटी बिटवीन दीज टू. जो ये एडजेक्टिव है ये थोड़ी सी लोभी, थोड़ी सी लालची है. इसका मानना है अगर मैं भाई और बाप को क्वालिफाई करूंगी, अगर इनका टेक केयर करूंगी, तो शादी के बाद जैसे ही मैं घर जाऊंगी, एक दो सूट, एक दो साड़ी मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा. अब जो ये एडवर्ब है ये कहती है एडजेक्टिव को कि एडजेक्टिव तू है बहुत बड़ी झल्ली. क्या? तू है बहुत बड़ी झल्ली, माँ को छोड़कर कल्ली बाप और भाई की तरफ चलनी. मैं तो क्वालिफाई करूंगी अपनी माँ को. अब एडवर्ब वही शब्द होते हैं जो किसको क्वालिफाई करते हैं? बाप को. अब इस फैमिली के अंदर 2 सर्वेंट्स आर देयर. कितने नौकर हैं? 2. कितने नौकर हैं? 2. पहला है प्रेपोजिशन. क्या है बेटे? प्रेपोजिशन. दूसरा है कंजंक्शन. क्या है? कंजंक्शन. लेकिन जो ये प्रेपोजिशन है ये डेढ़ शाना आदमी है. ये घर का मेन या चीफ सर्वेंट ऑफ द फैमिली है और घर